हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पिक्चर अभी बाकी है। तो दोस्तों, अभी भी हमारे कई सारे व्यूअर हैं जो हमारे वीडियो को रेगुलर तो देखते हैं, पर उन्होंने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। इससे होता यह है कि हम वीडियो कितने भी अच्छे डाल दे, वो वीडियो ज्यादातर लोगों तक पहुँच नहीं पाते, क्योंकि जिस दिन हम वीडियो डालते हैं उस दिन उनके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुँचती और हमारे वीडियो भी यूट्यूब में डाले हजारों वीडियो की तरह बनकर रह जाते हैं जिन्हें कोई नहीं देखता। इसलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में यस टाइप कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों, आज की हमारी मूवी है हुरोक, और ये इस मूवी का हंगरी भाषा में नाम है क्योंकि ये मूवी एक हंगेरियन मूवी है, और इस मूवी का इंग्लिश भाषा में नाम लूप है, और ये एक साइंस फिक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी है। इसलिए इस मूवी में आपको एक के बाद एक ट्विस्ट और टर्न देखने को मिलेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। मूवी की शुरुआत में हम एडम को देखते हैं, और एडम एक रेलवे में सफर कर रहा होता है। तभी एडम के पास एक भिखारी आता है और एडम उस भिखारी को अपने बैग से ब्रेड निकाल कर देता है। वो भिखारी सामने वाली सीट पर जाकर उस ब्रेड को खाने लगा था और एडम उस भिखारी को ब्रेड खाते हुए देख रहा था। आगे एडम अपने घर पर जाता है और एडम अपनी गर्लफ्रेंड आना को बुलाने लगता है। आना एडम की आवाज सुनकर बाथरूम से बाहर निकलती है और आना थोड़ी परेशान थी। आना को परेशान देखकर एडम बाथरूम में जाता है तो वहाँ पर एक प्रेगनेंसी टेस्ट किट रखी हुई थी और उसका रिजल्ट पॉजिटिव था, यानी आना प्रेग्नेंट थी। और एडम भी ये देखकर परेशान होता है और वो आना से कहता है, तुम मेरे डैड के पास जाओ, वो सब कुछ सॉल्व कर देंगे, ये बच्चा हमें नहीं चाहिए। पर आना एडम की बात मानने से इनकार करती है। तब एडम कहता है, बेबी मेरी बात ध्यान से सुनो, इस बार हमें डबल अमाउंट मिल सकता है, मुझे पता नहीं कितना, पर इस बार मुझे 200 बॉटल भेजनी होगी और मुझे पता नहीं उसकी कीमत कितनी होगी। हमारे पास बहुत पैसा होगा, ये हमारे पास एक मौका है, हम हमारी जिंदगी बेटर कर सकते हैं, हम उस डेसो को पीछे छोड़ देंगे और हम ट्रेन पकड़कर वहां पहुंच जाएंगे जहां पर वो हमें कभी ढूंढ नहीं पाएगा। आना कहती है, ओके तो तुम अकेले चले जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी और मैं अबॉर्शन भी नहीं करवाऊंगी। ये सुनकर एडम आना से प्लेन के टिकट लेकर उसे टेबल पर रखता है और कहता है, ओके ठीक है, तुम डैड से जाकर कहो कि तुम जा रही हो और तुम जाकर अपने टेस्ट करवा लो, जो तुम्हारे लिए जरूरी है, जो तुम चाहती हो वही होगा। आगे एडम सूटकेस के एक पार्टीशन को निकालता है ताकि वो उसमें ड्रग्स की बोतल भर के वो उस ड्रग की स्मगलिंग कर सके। एडम एक ड्रग डीलर का काम करता था, वो ड्रग्स की स्मगलिंग किया करता था। आना एडम से मिलकर एडम के पिता के पास चली जाती है अपने टेस्ट करवाने। आगे एडम अपने जाने की तैयारी करने लगता है तभी कोई उसका दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। एडम खिड़की से बाहर जाता है तो वहां पर एक गाड़ी खड़ी थी। एडम उस गाड़ी को देखकर अपने कपड़े उतार लेता है और टॉवेल लपेट लेता है। एडम दरवाजा खोलता है तो बाहर से डेसो नाम का आदमी घर के अंदर आता है और वो घर को देखने लगता है। वो डेसो नाम का आदमी एडम से कहता है, अपने कपड़े पहनो और तुम्हारा क्या प्लान है जाने के लिए, आना कहाँ है? एडम कहता है, आना यात्रा के लिए कुछ स्नैक्स लेने गई है। डेसो एडम को अपने साथ लाए पैकेट दिखाकर कहता है, इसमें 200 बॉटल है, और डेसो पैकेट को बाहर निकालता है। एडम उन पैकेट को देखकर कहता है, ये बहुत ज्यादा है। डेसो कहता है, क्यों, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? एडम कहता है, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें ये 200 बॉटल बस क्लाइंट को देना है और उससे पैसा लाना है। डेसो कहता है, बॉटल्स को ख्याल से ले जाना और पैसों को हाथ मत लगाना, और ऐसा कहकर डेसो वहां से चला जाता है। तो दोस्तों, एडम एक ड्रग्स डीलर था और उसे डेसो के ड्रग्स की बॉटल को क्लाइंट तक पहुंचाकर उससे पैसा लाना था, और एडम के साथ आना भी जाने वाली थी। एडम का प्लान था कि वो पैसा लेकर कहीं दूर भाग जाएगा, पर आना प्रेग्नेंट हो गई थी और एडम अब आना को अपने साथ नहीं ले जाना चाहता था। एडम बॉक्स को खोलकर उसके अंदर की ड्रग्स की बॉटल को सूटकेस में छुपाता है और अपने दोस्त को कॉल करके कहता है, मैं बॉटल्स को लेकर आ रहा हूँ, पर आना मेरे साथ नहीं आएगी। एडम का दोस्त कहता है, ठीक है तुम आ जाओ, अब हमारे पास पैसा ही पैसा होगा। आगे एडम वीडियो कैमरा के जरिए वीडियो कैसेट में एक मैसेज रिकॉर्ड करता है और उस वीडियो में एडम कहता है, आना मैं तुम्हें लेटर लिख सकता था, पर ये वीडियो रिकॉर्ड करके मैं तुम्हें अपनी बात अच्छे से कह पाऊंगा, तुम जानती हो मैं ये चांस मिस नहीं कर सकता, मैं अकेला जा रहा हूँ और यही एक तरीका है जिससे हम लोग साथ में रह सकते हैं। बाद में मैं तुम्हें टिकट और जरूरी चीजें भेजूंगा, अगर तुम्हें पसंद आए तो तुम वहां पर आ जाना। ये कहते हुए एडम को याद आता है कि उसने टेबल पर प्लेन के टिकट्स रखे थे, पर अब वो टिकट वहां पर नहीं थे, वो टिकट आना अपने साथ ले गई थी। ये देखकर एडम गुस्सा होता है और आना के पास जाने लगता है, और एडम वो वीडियो कैमरा चालू छोड़कर चला जाता है। उस वीडियो कैमरा में ये सब भी रिकॉर्ड हो रहा था। एडम आना को ढूंढने लगता है तभी अचानक आना उससे टकराती है और आना एडम को देखकर कहती है, एडम तुम जिंदा हो, ये इम्पॉसिबल है, मैंने देखा था कि तुम मर चुके थे। एडम आना पर गुस्सा था और वो कहता है, वो प्लेन टिकट्स कहाँ है जो तुम घर से लेकर आई थी, और तुमने मुझसे झूठ कहा कि तुम प्रेग्नेंट हो,
आना कहती है, नहीं मैंने सच कहा था, मैंने तुम्हारे डैड के पास चेकअप करवा लिया है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं सही बोल रही हूँ, देखो ये वीडियो कैसेट, ये मैं घर से लेकर आई हूँ। एडम उस वीडियो कैसेट पर लिखे हुए शब्दों को देखकर चौंक जाता है, क्योंकि ये वही कैसेट थी जिस पर एडम आना के लिए अपना मैसेज रिकॉर्ड कर रहा था और वो घर पर रिकॉर्डिंग चालू छोड़कर आया था। एडम उस कैसेट को देखकर कहता है, ये कैसेट तुम्हारे पास कहां से आई? आना कहती है, ये कैसेट मैं घर से लेकर आई जब देशो ने तुम्हें शूट किया था, मैंने तुम्हें खो दिया था। और ये कहकर आना एडम को गले लगाकर रोती है। तब वहां से एक लेडी अपने कुत्ते को लेकर गुजरती है और वो एडम और आना को बात करते हुए देख लेती है। एडम आना से कहता है, अगर हम यहाँ से नहीं गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, मैं डैड की कार लेने हॉस्पिटल जा रहा हूँ। और ऐसा कहकर एडम जाने लगता है। तब आना अपनी जेब से प्लेन का टिकट निकालकर एडम को देने जाने लगती है। तभी वहां पर एक गाड़ी आती है जिससे आना का एक्सीडेंट हो जाता है और एडम के हाथ से वो कैसेट गिर जाती है और वहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई थी। भीड़ से ही एक आदमी एडम को कहता है, ये तुमने क्या किया? एडम कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो उसको जानता भी नहीं। तब वो गाड़ी जिससे आना टकराई थी वो भी चली जाती है और वहीं खड़ी वो कुत्ते वाली लेडी कहती है, मैंने इसे इस लड़की के साथ बात करते हुए देखा था, पुलिस को बुलाओ। ये सुनकर वहां खड़ा आदमी एडम की तरफ बढ़ने लगता है एडम को पकड़ने पर। एडम उस आदमी पर हमला करके वहां से भागता है और वहीं से जा रहे एक मिनी ट्रक में एडम छिपकर बैठ जाता है। आगे एडम एक हॉस्पिटल में जाता है और वहां पर एडम उसी आदमी को देखता है जिस पर वो हमला करके भागा था। उस आदमी ने पट्टी बांध रखी थी और उसके साथ पुलिस भी थी। उस आदमी को देखकर एडम वहीं से नीचे कूद जाता है और वहां से पार्किंग एरिया में जाता है। पार्किंग में एडम को एक कार दिखाई देती है और एडम उस कार को खोलने की कोशिश करता है पर वो कार लॉक थी। ये देखकर एडम लिफ्ट से ऊपर जाने लगता है। दूसरी तरफ डेसो उस हॉस्पिटल के सिक्योरिटी कैमरा रूम में था और वो सीसीटीवी कैमरा स्क्रीन पर कुछ देखकर वहां से चला जाता है। डेसो हॉस्पिटल के सिक्योरिटी कैमरा ऑफिस में काम करता था और आना इसी हॉस्पिटल में नर्स थी और एडम के पिता इस हॉस्पिटल में डॉक्टर थे। हॉस्पिटल में एडम के पिता जो कि एक डॉक्टर थे वो किसी से फोन पर बात करते हुए बोल रहे थे, आना और बेबी दोनों ठीक है, मैंने पता कर लिया है, मैं आशा करता हूँ कि अगली बार तुम भी उनके साथ आओगे। तभी बाहर से कोई दरवाजा खटखटाता है और एडम के पिता उसे अंदर बुलाते हैं। एडम अंदर आता है तो एडम के पिता एडम को देखकर कहते हैं, मैं तुमसे ही बात कर रहा था। और ऐसा कहकर एडम के पिता फोन रख देते हैं। एडम अपने पिता से मिलता है और एडम अपने पिता से उनकी कार की चाबी मांगता है। एडम के पिता एडम को आना की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट दिखाते हैं और कहते हैं, इसे देखो, तुम्हें पता है ये क्या है? एडम कहता है, मुझे पता है ये क्या है, ये मुझे मत दिखाइए। ये सुनकर एडम के पिता एडम को गाड़ी की चाबी देने लगते हैं। तब एडम कहता है, आपने फिर से गाड़ी को लॉक करना शुरू कर दिया। ये सुनकर एडम के पिता कहते हैं, तो तुम मेरी गाड़ी को मेरी इजाजत के बिना ले जाने वाले थे, मैं तुम्हें अब अपनी गाड़ी नहीं दूंगा, यहाँ से निकल जाओ। ये सुनकर एडम गुस्से से वहां से निकल जाता है और वो सीढ़ियों के पास जाकर खड़ा हो जाता है। तभी एडम के पीछे का दरवाजा कोई खोलता है और वो वापस दरवाजे को बंद कर देता है। एडम ये देखकर उस दरवाजे को खोलने लगता है पर वो दरवाजा बाहर की तरफ से किसी ने लॉक कर दिया था। ये देखकर एडम सीढ़ियों से नीचे आता है और हॉस्पिटल से निकलकर एडम देखता है कि हॉस्पिटल के बाहर उसके पिता खड़े थे। एडम अपने पिता के पास जाता है तो एडम के पिता एडम से कहते हैं, मैंने कार में चाबी छोड़ दी है, तुम कार ले जा सकते हो। ये सुनकर एडम कार लेने पार्किंग एरिया में जाता है और कार की डिक्की में से टायर निकालकर वहीं पर फेंक देता है और गाड़ी लेकर निकल जाता है। आगे एडम की गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो जाता है तो एडम उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर आना का एक्सीडेंट हुआ था और एडम को वहां पर वो वीडियो कैसेट भी मिलती है जो उसके हाथ से गिर गई थी। एडम उस कैसेट को लेकर अपने घर पर जाता है और उस कैसेट को प्ले करता है तो उस कैसेट में वो हिस्सा रिकॉर्ड था जिसे एडम रिकॉर्ड करके गया था। कैसेट को प्ले करके एडम रिकॉर्ड की हुई कॉल को सुनने लगता है तो उसमें पहला कॉल उसके पिता का था और एडम के पिता ने उसे ये कॉल तब किया था जब एडम उनके ऑफिस में गया था गाड़ी की चाबी लेने। उससे पहले एडम के पिता एडम के फोन पर ही कॉल रिकॉर्ड कर रहे थे और उसके बाद एडम के फोन पर अगली कॉल आना की रिकॉर्ड हुई थी और आना एडम से कहती है, मैं चाहती थी कि तुम फोन उठाओ, मैं और तुम्हारे साथ नहीं भाग सकती, मैं शांति से जीना चाहती हूँ, मुझे पता है कि तुम मुझे अकेला छोड़कर जाने वाले हो क्योंकि तुम एक बहुत बड़े झूठे हो। और ऐसा कहते ही कॉल कट जाती है। आना को पता था कि एडम उसे अकेला छोड़कर जाने वाला है इसलिए आना ने एडम को ये कॉल किया था। ये सुनकर एडम कैसेट की रिकॉर्डिंग देखने लगता है। एडम उस वीडियो रिकॉर्डिंग में भी फोन कॉल की रिकॉर्डिंग को सुन रहा था। ये देखकर एडम चौंक जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, जो उसके साथ अभी बीत रहा है वो उस कैसेट में रिकॉर्ड कैसे हो सकता है क्योंकि ये कैसेट तो उसे बहुत समय पहले आना ने दी थी। एडम उस कैसेट की रिकॉर्डिंग को आगे बढ़ाता है तो उस कैसेट में वो सब भी रिकॉर्ड था जो एडम उस वक्त कर रहा था। एडम रिकॉर्डिंग को और आगे बढ़ाकर देखता है तो एडम आगे देखता है कि डेसो आना के साथ उसके रूम में आया और उसके बाद डेसो ने एडम पर गोली चला दी और उसकी बॉडी को खींचता हुआ वो एक तरफ ले गया और उसके बाद आना वीडियो कैमरा के पास आकर देखती है और ये रिकॉर्डिंग यही रुक जाती है।
ये सब देखकर एडम परेशान हो जाता है और वो सूटकेस से बॉटल्स को निकालकर वापस पैकेट में डाल देता है और उसे अपने बैग में रख लेता है। तभी कोई उसका दरवाजा खटखटाता है। एडम दरवाजा खोलता है तो बाहर आना थी, और डेसो ने आना पर गन अला रखी थी और वो भी आना के साथ अंदर आता है। डेसो एडम को मारकर कहता है, मुझे बताओ तुम इन ड्रग्स के साथ क्या करने वाले थे और तुम्हारे साथ कौन कौन शामिल है। एडम कहता है, तुम ये क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ नहीं पता। ये सुनकर डेसो एडम के पांव पर गोली मारता है और पूछता है, वो ड्रग्स की बॉटल कहाँ है। एडम कहता है, ड्रग्स की बॉटल मेरे बैग में है। ड्रग्स की बॉटल को देखकर डेसो कहता है, तुम मुझे धोखा देने वाले थे और तुम में से एक को इसकी सजा मिलेगी। एडम कहता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये मेरी गलती नहीं है, इसने मुझे वो वीडियो कैसेट दी जिसमें सब कुछ रिकॉर्ड था। और ये कहकर एडम वहां से भागने लगता है। तब डेसो एडम पर गोली चलाता है और एडम नीचे गिर जाता है। डेसो एडम को घसीटता हुआ अंदर लाकर बाथ टब में रखकर उसे ढक देता है। तब आना टीवी देखती है और आना को वहाँ पर वीडियो कैमरा दिखाई देता है। वीडियो कैमरा को देखकर आना समझ जाती है कि उस घर में जो कुछ भी हुआ वो उस कैसेट में रिकॉर्ड हो गया। आना उस कैसेट को लेकर वहाँ से निकल जाती है और डेसो भी दरवाजे की आवाज सुनकर बाहर आकर देखता है तो वहाँ पर आना नहीं थी। डेसो उस ड्रग्स की बॉटल का बैग बाहर लाकर भागती हुई आना पर गोली चलाता है, पर आना वहाँ से भाग जाती है और डेसो भी अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाता है। वो भी आना को ढूंढने लगता है। आना भागती है और आगे आना वापस एडम से टकरा जाती है और एडम आना पर चिल्लाता है और आना एडम से कहती है, तुम जिंदा हो, मुझे लगा तुम मर गए। और आना और एडम के बीच सारी वही बातें होने लगती है जो बातें पहले हुई थी। एडम आना से फ्लाइट के टिकट मांगता है। तब वहाँ से वो लेडी गुजरती है जिसके पास कुत्ता था और एडम उस कुत्ते वाली लेडी को देखता है। दूसरी तरफ डेसो भी गाड़ी लेकर आना को ढूंढ रहा था और आना की बातें सुनकर और सब कुछ वैसा ही देखकर एडम को याद आता है कि उसके साथ पहले भी ये सब हो चुका था। और एडम कहता है, हम पहले भी यहाँ पर आ चुके हैं, हमें यहाँ से जल्दी जाना होगा, हमें डैड से उनकी कार लेनी होगी। और एडम भागते हुए सड़क की दूसरी तरफ चला जाता है। तभी वहाँ पर डेसो की गाड़ी आती है और डेसो अपने सामने एडम को देखकर चौंक जाता है। और तभी आना डेसो की गाड़ी के सामने आ जाती है और आना का फिर से एक्सीडेंट हो जाता है और एडम के हाथ से वो वीडियो कैसेट वापस छूट जाती है और डेसो अपनी गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है। ये सब देखकर एडम अपने आप से कहता है, मुझे इस बार कुछ अलग करना होगा। और इस बार एडम आना के पास जाता है तो आना मर चुकी थी। तब एडम की आंखों के सामने एक मिनी ट्रक गुजरता है और ये वही मिनी ट्रक था जिसमें एडम पिछली बार छिपकर गया था। एडम को उस मिनी ट्रक में अपना हाथ भी दिखाई देता है क्योंकि एडम उसमें छिपा था। ये सब देखकर एडम वहां से भाग जाता है। तो दोस्तों यहां पर एक टाइम लूप क्रिएट हो गया था। एडम के साथ ये घटना बार बार बीत रही थी और आना बार बार मर रही थी, पर यहां पर जितनी बार ये टाइम लूप चल रहा था उतनी बार आना, एडम और डेसो क्रिएट हो रहे थे। और एक ही समय में हमें दो एडम भी देखने को मिलते हैं, एक वो मिनी ट्रक में छिपकर जा रहा था और एक उसके सामने था। आगे कहानी में और भी ट्विस्ट आने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा। डेसो गैराज पर जाकर अपनी गाड़ी धोने लगता है क्योंकि उसमें आना के खून के धब्बे लग गए थे। एडम भी वहां से भागकर छिप जाता है। तब उसके सामने वही गैराज था जहां पर डेसो की गाड़ी खड़ी हुई थी। एडम पीछे से जाकर डेसो पर हमला करता है और डेसो एडम पर गन अड़ाकर कहता है, तुम तो मर चुके थे, फिर तुम यहाँ पर कैसे आए और तुमने ये सब कैसे किया। इसके बाद एडम और डेसो दोनों के बीच हाथापाई होती है और डेसो के ऊपर गोली चल जाती है। एडम डेसो की लाश को गाड़ी में बंद करके वहाँ से भागता है और एडम वापस से हॉस्पिटल में जाता है। और वहाँ पर एडम को आना दिखाई देती है जो कि एडम के नंबर पर ही बात कर रही थी और एडम के घर पर ये कॉल रिकॉर्ड हो रही थी। एडम आना से मिलकर बहुत खुश होता है और उसे अपने साथ हॉस्पिटल की छत पर ले जाता है और कहता है, घर से अपना सामान पैक करो, हम यहाँ से कहीं दूर चलते हैं। मुझे लगा कि मैंने तुम्हें खो दिया था, पर तुम यहाँ पर जिंदा हो, मुझे नहीं पता ये सब क्या हो रहा है। आना कहती है, हम पुलिस को डेसो के बारे में सब कुछ बता देते हैं। एडम कहता है, नहीं, हम पुलिस के पास नहीं जा पाएंगे, मैं तुम्हें ये सब नहीं समझा पाऊंगा। ये सुनकर आना वहां से चली जाती है। एडम हॉस्पिटल की सीढ़ियों पे जाता है तभी उसे वहां पर आना का जूता मिलता है और उस जगह को देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने उस जगह पर फायर सेफ्टी सिस्टम खोला था। ये सब देखकर एडम गैलरी में आता है तो वहां पर उसे एक लेडी मिलती है और वो लेडी एडम से कहती है, अब आना कैसी है। वो लेडी कहती है, मैं तो उसे देखकर शॉक रह गई थी जब मैंने उसे डेसो के साथ जाते हुए देखा और डेसो ने मुझे कहा था कि वो सीढ़ी से गिर गई थी और उसकी हालत खराब है। डेसो अभी उसे 3 मिनट पहले यहां से लेकर गया। ये सुनकर एडम नीचे जाता है तो वो देखता है वहां से डेसो की गाड़ी पार्किंग एरिया से कहीं जा रही थी और उस पार्किंग एरिया में एडम को वही टायर दिखाई देता है जो पिछली बार उसने अपने पिता की गाड़ी से निकालकर फेंका था। एडम भागकर अपने घर जाने लगता है और घर पहुंचकर एडम देखता है कि घर में डेसो, एडम और आना थे, उनकी आवाजें बाहर आ रही थी और एडम ये सब बाहर खड़ा होकर सुन रहा था। डेसो एडम को गोली मारता है और ये देखकर बाहर खड़ा एडम वहीं जाकर छिप जाता है और डेसो एडम की बॉडी को अंदर खींचकर ले जाता है। तब एना वो वीडियो कैसेट लेकर घर से भागती है और डेसो भी उसके पीछे पीछे बाहर जाता है
और अपनी कार से डेसो एना को ढूंढने लगता है। तब एडम अपने घर में जाता है और वो देखता है उसके घर में सब बिखरा हुआ था और बाथरूम में बाथटब में एडम पड़ा हुआ था, उसे गोली लगी थी। अपने सामने एडम को देखकर घायल एडम कहता है, आना ये सब उसकी वजह से हुआ है, तुम अपनी जान बचाओ। और ये कहकर घायल एडम मर जाता है। एडम कांच में अपना चेहरा देखता है और अपना चेहरा धोता है। तभी बाथरूम में थोड़ा अंधेरा होता है। एडम पलट कर देखता है तो बाथटब से एडम की लाश गायब थी और बाथरूम पहले की तरह हो गई थी। एडम घर में आकर देखता है तो घर में भी सब कुछ ठीक हो गया था, सारा बिखरा सामान अपनी जगह पर था। ये सब देखकर एडम बिल्डिंग से बाहर आता है तो बाहर एक पिज्जा स्कूटर खड़ा था। एडम उस स्कूटर को लेकर उस जगह पर जाने लगता है जहां पर आना का एक्सीडेंट हुआ था। दूसरी तरफ आना अपना एक्सीडेंट होने से पहले एडम से टकरा गई थी और वो उसे समझाने की कोशिश कर रही थी और वहां पर वही सारी घटनाएं रिपीट होती है। एडम स्कूटर से डेसो की गाड़ी के पास जाकर डेसो को रोकने की कोशिश करता है पर डेसो एडम की गाड़ी को देखकर चौंक जाता है। तभी डेसो की गाड़ी के सामने आना आ जाती है और वापस से आना का एक्सीडेंट हो जाता है और एडम भी स्कूटर से गिर जाता है। स्कूटर वाला एडम उठकर बिल्डिंग की सीढ़ियों के ऊपर चढ़ जाता है और डेसो अपनी आंखों के सामने दो दो एडम को देखता है, एक वो जो स्कूटर चला रहा था और दूसरा वो जो आना के साथ था। ये देखकर डेसो अपनी गाड़ी वहां से ले जाता है और आना के साथ वाला एडम वहां से भाग जाता है और जो एडम स्कूटर चला रहा था वो ये सब बिल्डिंग के ऊपर से देख रहा था। तभी वहां से एक मिनी ट्रक गुजरता है और उसमें वही एडम छुपा हुआ था जो कि आना के साथ था। तब वहां एम्बुलेंस आती है और एम्बुलेंस में बैठे डॉक्टर आना को चेक करते हैं तो वो मर चुकी थी। तब वहां पर स्कूटर वाला एडम बिल्डिंग से नीचे आकर खड़ा हो जाता है, वो आना को देखकर दुखी हो रहा था। तभी वो कुत्ते वाली लेडी एडम को पहचान जाती है और वो उसे पकड़ने के लिए कहती है। तब एडम वहां से भागकर छिप जाता है और बाद में एडम वहां से भागकर उस गैराज पर जाता है जहां पर डेसो अपनी गाड़ी धो रहा होता है और उस पर पीछे से आकर एडम हमला करता है और उन दोनों के बीच हाथापाई होती है। स्कूटर वाला एडम गाड़ी के सामने जाकर गाड़ी में छिप जाता है और वो पीछे डेसो और एडम को लड़ते हुए देखने लगता है। तभी डेसो की नजर आगे बैठे एडम पर पड़ती है और तभी एडम उसे गोली मार देता है और वहां से भाग जाता है। गाड़ी में बैठा एडम डेसो की गाड़ी से वो ड्रग्स वाली बॉटल का बैग और डेसो के पास से उसकी गन ले लेता है और बैग वाला एडम एडम के पीछे पीछे हॉस्पिटल में जाता है। आगे वाला एडम हॉस्पिटल के बाहर पुलिस और उस आदमी को देखकर नीचे कूद जाता है और बैग वाला एडम पुलिस के पास से हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है और वो फोन के पास जाकर खड़ा हो जाता है क्योंकि उसे पता था यहाँ पर आकर आना उसे फोन करेगी। तभी वहां पर आना आती है और एडम आना को लेकर अपने पिता के ऑफिस में चला जाता है और एडम अपने पिता से कहता है, डैड मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, सब कुछ मिक्स हो चुका है और इस वक्त मैं टाइम में फंसा हुआ हूँ, पर मुझे पता चल चुका है मैं इन सबसे बाहर कैसे निकलूंगा। ये ड्रग्स की बोतल में एक प्रकार की ड्रग है जो कि हम स्मगलिंग करने वाले थे और क्लाइंट इसके लिए हमें बहुत सारा पैसा देने वाला था और इन सब में डेसो और भी कई आदमी शामिल है। मैं इन सबसे बाहर निकलना चाहता हूँ पर मैं कई बार फेल हो चुका हूँ, आप इन ड्रग्स की बोतल को लेकर पुलिस के पास जाइएगा। एडम के पिता कहते हैं, पर मुझे करना क्या होगा। एडम कहता है, आना इसमें आपकी मदद करेगी, वो सब कुछ जानती है। एडम आना को वहीं रखी आना के बेबी की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट का आधा हिस्सा फाड़ कर देता है और कहता है, अगली बार हम जब भी मिलेंगे तो हम इस रिपोर्ट के टुकड़ों को मिलाकर देखेंगे, तुम इस दूसरे टुकड़े को अपने पास में संभाल कर रखो। आगे एडम अपनी गन के साथ कहीं जाने लगता है तभी उसे सीढ़ियों पर खड़ा हुआ एडम दिखाई देता है। इसे देखकर वो वापस बाहर से दरवाजा बंद कर देता है। फिर एडम की नजर वहीं लगे सीसीटीवी कैमरा पर पड़ती है और वो सीसीटीवी रूम में जाने लगता है। तभी लिफ्ट के बाहर उसे डेसो मिल जाता है और एडम डेसो पर अपनी गन अलाता है। एडम डेसो से सीसीटीवी कैमरा रूम का पास कार्ड मांगता है और पास कार्ड देने के बाद एडम डेसो पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है और बेहोश डेसो को हॉस्पिटल के स्टोर रूम में बंद कर देता है। और एडम पास कार्ड से सिक्योरिटी कैमरा रूम में जाता है तो वहां पर एडम को हॉस्पिटल के बाहर दूसरा एडम जाता हुआ दिखाई दे रहा था। ये देखकर एडम हॉस्पिटल की छत पर जाता है और हॉस्पिटल की छत से एडम दूसरे एडम को देखता है। दूसरी तरफ डेसो को होश आ गया था और वो स्टोर रूम से क्लोरोफॉर्म की बॉटल लेकर ऊपर जाने लगता है। तभी उसे आना दिखाई देती है और डेसो हॉस्पिटल की सिक्योरिटी कैमरा टीम को कॉल करके कहता है, वीडियो रिकॉर्डिंग बंद करो क्योंकि मैं एक लड़की को किडनैप करने वाला हूँ। ये कहकर डेसो आना को पकड़ लेता है और उसे क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश करने लगता है। तब आना पास ही में रखे फायर सेफ्टी सिस्टम को डेसो के चेहरे पर खोल देती है पर डेसो आना को मारता है और उसे बेहोश कर देता है। हॉस्पिटल की छत से एडम नीचे आने लगता है तब उसे वहां पर आना का जूता नजर आता है और देखने से ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने फायर सेफ्टी सिस्टम खोला हो। ये देखकर एडम सब कुछ समझ जाता है और बाहर जाने लगता है। तभी बाहर खड़ी लेडी एडम को बताती है, डेसो तुम्हारी गर्लफ्रेंड को पकड़कर ले गया। एडम भागकर अपने पिता के ऑफिस में जाता है तो उसके पिता उसके ऑफिस में नहीं थे।
तब एडम वो ड्रग्स की बॉटल वाला बैग और टेबल पर पड़ी मेटल की प्लेट को अपने पास रख लेता है और पार्किंग में जाकर अपनी डैड की गाड़ी का शीशा तोड़कर गाड़ी में बैठता है। तब गाड़ी की चाबी गाड़ी में लगी हुई थी। एडम गाड़ी को स्टार्ट करके पार्किंग एरिया से बाहर निकालने लगता है, तभी उसके सामने उसे दूसरा एडम खड़ा हुआ दिखाई देता है जो कि उसके पिता से बात कर रहा था। फिर वो पार्किंग एरिया में आने लगता है अपने पिता की गाड़ी को लेने। तब वो उसके पिता की कार में दूसरे एडम को बैठा हुआ देखता है और वो कहता है, तुम कौन हो और तुम क्या चाहते हो? कार में बैठा एडम कहता है, मैं तुम्हारा हिस्सा हूँ, और वो वहां से कार लेकर चला जाता है। तब पार्किंग में खड़ा एडम भी उसके पीछे जाने लगता है। तो दोस्तों, इसके पहले हमने देखा था कि एडम अपने पिता से बात करके अपने पिता की गाड़ी से टायर निकालकर वो गाड़ी ले जाता है, पर इस बार वो कार कोई दूसरा एडम ले गया था। और वो कार वाला एडम आना के एक्सीडेंट वाली जगह पर जाकर वो वीडियो कैसेट उठाकर वापस अपने घर पर जाता है और एडम उस वीडियो कैसेट की रिकॉर्डिंग को चालू करता है। थोड़ी देर बाद डेसो भी आना को लेकर एडम के घर पर आ गया था। एडम अपनी गन पास रखकर दरवाजा खोलता है, तब डेसो आना के साथ अंदर आता है और वो एडम को मारकर उससे वही बातें बोलता है जो पहले उसने बोली थी। एडम कहता है, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, और एडम डेसो के सामने टीवी चालू करता है जिसमें वही रिकॉर्डिंग प्ले हो रही थी। और ये देखकर डेसो गुस्से से टीवी पर गोली चलाता है और कहता है, तुम मेरी रिकॉर्डिंग कर रहे हो, और वो कैसेट निकालकर उस कैसेट को तोड़ने लगता है। तब एडम भी अपनी गन निकाल लेता है और डेसो पर अड़ा देता है, पर डेसो ट्रिक करके एडम पर गोली चला देता है और एडम को वो गोली लग जाती है और एडम जानबूझकर दरवाजे के बाहर जाकर गिरता है ताकि बाहर खड़े एडम को मैसेज पहुंच जाए और वो छिप जाए। डेसो एडम की बॉडी को अंदर लाता है, तब बाहर वही एडम था जो कि पार्किंग में था। डेसो एडम की बॉडी को अंदर लाकर बाथटब में रखता है। आना वो वीडियो टेप लेकर भागती है, तब डेसो भी कार से उसका पीछा करने जाता है और बाहर छुपा दूसरा एडम अपने घर में आकर देखता है तो बाथटब में एडम की बॉडी पड़ी थी और अचानक वो एडम उठ जाता है। वो एडम जिंदा था और घायल एडम खड़ा होकर अपने कपड़ों में छुपाई गई मेटल की प्लेट को निकालता है जो कि वो उसके पिता के ऑफिस से लेकर आया था। एडम घायल एडम से कहता है, वो ड्रग्स वाला बैग कहाँ है, मुझे उसकी जरूरत है। घायल एडम एडम से कहता है, वो बैग डेसो ले गया और मैं सब कुछ ट्राई कर चुका हूँ और मैं हर बार गलत हुआ हूँ, इसलिए तुम इस जगह पर फंसे हुए हो। पर अंत में वो देखो, दोनों एडम शीशे में देखने लगते है और घायल एडम एडम से कहता है, हम दोनों एक जैसे दिखाई देते है और हम दोनों को एक ही चीज चाहिए और हम दोनों एक ही लड़की को प्यार करते हैं, तो तुम्हें मरना होगा। ऐसा कहकर घायल एडम एडम पर हमला करता है और उन दोनों के बीच हाथापाई होती है और अंत में घायल एडम एडम को मार देता है। दूसरी तरफ आना वो कैसेट लेकर भागती है और घायल एडम आना को उस एक्सीडेंट से बचाने जाने लगता है। दूसरी तरफ आना वो कैसेट लेकर भागती है पर इस बार वो किसी और ही आदमी से टकराती है और आना खड़ी होती है और अपने आस पास देखने लगती है। तब आना को भी याद आता है कि वो इस जगह पर एडम से टकराने वाली थी। आना सोचते हुए सड़क पार करने लगती है तभी वहाँ पर डेसो की गाड़ी आ जाती है और डेसो की गाड़ी आना को टक्कर मारने वाली थी तभी वहाँ पर एडम आकर आना को बचा लेता है और डेसो की गाड़ी सामने रखी गाड़ी से टकरा जाती है और डेसो मारा जाता है। आना को ब्लडिंग होने लगी थी और आना कमजोर पड़ गई थी। तब एडम आना को अपने पिता के पास चेकअप करवाने ले जाने लगता है। तब आना का बेबी बिल्कुल ठीक था और ये देखकर तीनों खुश होते हैं। आगे आना और एडम दोनों ट्रेन में जाकर बैठते हैं और आना एडम को उसके बेबी की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट का वही टुकड़ा दिखाती है जिसे उसे एडम ने फाड़ कर दिया था। एडम भी अपने पास से उस रिपोर्ट का दूसरा टुकड़ा निकालता है और दोनों वो उन टुकड़ों को मिलाते हैं और ये देखकर दोनों बहुत खुश होते हैं। तभी एडम के सामने आकर एक भिखारी बैठता है और वो अपनी जेब से ब्रेड निकालकर खाने लगता है। एडम को ये देखकर याद आता है कि उसने भी इसी भिखारी को ब्रेड दी थी और उस समय भी वो भिखारी ने उसी जगह पर बैठकर उसी तरीके से वो ब्रेड खाई थी। एडम ये सब देखकर अपने से कुछ दूर वाली सीट को देखता है और सामने देखकर एडम चौंक जाता है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मूवी में एडम एक टाइम लूप में फंस गया था जिसमें आना का बार बार एक्सीडेंट होता है और डेसो की गोली से बार बार एडम मारा जाता है और एक ही तरह की घटनाएं बार बार एडम और आना के साथ बीतती है। पर आखिरी बार एडम अपने डैड के ऑफिस से लाए मेटल प्लेट को अपनी छाती पर लगा देता है जिससे वो मरता नहीं और वो दूसरे एडम को मारकर इस टाइम लूप को तोड़ने की कोशिश करता है। वो आना को आखिरी में बचा लेता है लेकिन जब उसे ट्रेन में अपने सामने वही भिखारी दिखाई देता है और वो उसी तरीके से उसकी दी हुई ब्रेड खा रहा था तो ये देखकर एडम अपने थोड़ी दूर वाली सीट पर देखता है तो उसे वहां पर एडम बैठा हुआ दिखाई देता है जिसने उस भिखारी को ब्रेड दी थी। यानी ये टाइम लूप अभी भी नहीं टूटा था और ये सारी घटनाएं फिर से रिपीट होने वाली थी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में यस टाइप कीजिए और नहीं लगा तो नो टाइप कीजिए। और दोस्तों, यदि आप हमारे वीडियो को देखते हैं और आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि इससे हम हमारी क्वालिटी और इम्प्रूव कर पाएंगे। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक जरूर कीजिए क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।